सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कक्षा 7 की गणित पढ़ेंगे। इसमें देखो, तेरा पॉइंट जो 3 हम पहले कर चुके हैं, अब हम आज तेरा पॉइंट 4 पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, इसमें कुछ हटके है आपके शब्द है पॉइंट का। देखो, प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी जो काम करते हैं उस काम को करने की या होने की जो संभावना होती है, तो उस संभावना को हम कहते हैं प्रायिकता। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपने एक सिक्का उछाला, तो उस सिक्के में देखो, आप जानते हो उस सिक्के में ये जैसे सिक्का है, इसमें दो चीज़ें रहती हैं, एक तरफ चित्र और एक तरफ रहता है पट। तो सिक्का उछालने पे अब या तो वो चित आएगा या पट आएगा, तो इसकी जो संभावना होती है वो 1/2 रहती है। आधी संभावना है कि वो चिता जाए और आधी संभावना रहती है उसकी पटाने की। तो ये जो संभावना है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। क्योंकि इसकी संभावना कैसी हो गई भाई, कोई भी काम है अब या तो ये आएगा या ये आएगा, पक्का है इन दोनों में से ही आएगा भाई, चिताएगा या पटाएगा। दोनों की कंडीशन जो है, संभावना है, वो क्या हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। जैसे मान लो आपके पास पासा देखा है आपने, वो सांप सीढ़ी खेलते हैं जो, तो वो इस तरह की वो डाइस लेती है, इसमें देखो आप जानते हो 1 से 6 तक संख्या लिखी रहती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
अब इनमें आपसे बोल दिया जाए कि इस पासे को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो देखो जब इसमें 7 लिखा हुआ ही नहीं है तो 7 कहाँ से आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी प्रायिकता हो जाती है वो होती है 0। मतलब जो काम हम कर ही नहीं सकते, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सूरज के पश्चिम से उगने की प्रायिकता बताओ, तो सूरज पश्चिम से उगता ही नहीं है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी उसकी 0। यदि आपसे बोले सूरज के पूरब से उगने की बताओ, तो पूरब में ही तो उगता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी उसकी प्रायिकता 1, या उसको कहते हैं निश्चित प्रायिकता। तो ये हमें प्रायिकता पढ़नी है। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन में देखते हैं ज़्यादा, और तो देखो आप इधर बोर्ड पर देखना। आपका पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्न में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ देखो मैंने जैसे आपको सूरज का उदाहरण बताया, तो ये निश्चित रूप से ही है कि वो कहाँ से उगेगा, पूरब से उगेगा, और ये भी निश्चित है कि वो पश्चिम से नहीं उगेगा। तो अगर आपसे बोलते कि पश्चिम से उगने की प्रायिकता, तो वो उग ही नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में उसकी संभावना नहीं है, तो वो क्या होगा असंभव। अब जैसे हमारा प्रश्न है देखो, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो देखो आज जो से मैं हूं मान लो, तो मैं कल से, तो आज एक दिन ज्यादा बढ़ गया, तो ये यही कह रहा है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो वहां है भाई कल तो मैं, जैसे मान लो या आप हो मानो जैसे 12 साल के हो और 10 दिन के हो, तो अब आज कितने के हो जाओगे, 12 साल और 11 दिन के, तो ज़्यादा बड़े हुए नहीं हुए। तो यहाँ इसने ये कहा है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, कि हाँ भाई हैं, तो जब है कंडीशन सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, होना निश्चित है भाई। इसने कहा है जो सही है, सही है, इसका मतलब ये काम होगा, तो निश्चित है। जैसे देखो दूसरा जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चिताएगा, एक सिक्के को उछालने पर चिताएगा,
तो देखो भाई, सिक्के को उछालने पे चित तो आएगा, ये तो पटाएगा, पर ये कंफर्म नहीं है कि चित ही आएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? कोई भी हो सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चित भी हो सकता है हमारे और पट भी हो सकता है, परंतु निश्चित नहीं है कि चित ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोई भी हो सकता है, परंतु निश्चित रूप से मतलब ये फिक्स नहीं है कि भाई चित्ती आएगा। हाँ, चित आ सकता है, संभावना है, पर ये जरूरी नहीं है कि चित आएगा। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? कि कोई भी हो सकता है दोनों में से, परंतु निश्चित रूप से नहीं है। तीसरा प्रश्न देखो हमारा, प्रश्न कह रहा है कि पासे को फेंकने पर आठ आएगा, एक पासे को फेंकने पर आठ आएगा। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो पासा होता है ये एक दो तीन चार पाँच, तो आपके सामने पासे में जो है वो छह अंक रहते हैं, एक से लेके छह तक की संख्या है। तो जब एक से छह तक की संख्या है तो आठ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आठ तो है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे? असंभव, हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्रायिकता क्या, मतलब इसका क्या कंडीशन हो जाएगी, है कि ये असंभव है, क्योंकि आठ आ ही नहीं सकता। जब आठ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो आएगा कहाँ से? और पासे में आठ होता ही नहीं है। हम तो आप सांप सीढ़ी खेले होंगे, या वो आजकल तो कंप्यूटर पे चलते, उस पर आता है मोबाइल पे गेम है, जाने क्या नाम है देखो उसका, उसमें भी आपके डाइस रहती है, तो उसको उछालते हैं हम, लूडो खेलते हैं लूडो, उसमें आता ही। तो उसमें देखो छह तक ही लिखा रहता है, तो जब आठ बोला है तो ये नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? असंभव है। तो इसकी जो प्रायिकता या जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी? असंभव। चौथा देखो अपना अगला प्रश्न है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, अब देखो अगली जो ट्रैफिक लाइट है वो हरी दिखेगी, तो सीधी सी बात है भाई, हरी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, लाइट तो दिखेगी तो सही इनमें से, पर ये जरूरी नहीं है कि वो हरी दिखे। तो इसमें क्या होगा? हो तो सकता है, पर क्या नहीं है? आवश्यक रूप से नहीं है, निश्चित नहीं है, फिक्स। यहाँ तो ये असंभव ही था, क्योंकि आठ तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपसे सूरज वाला बताया, तो सूरज पश्चिम से उगता ही नहीं है, तो आपसे बोल दे सूरज पश्चिम से उगेगा क्या? तो असंभव है, उगता ही नहीं है। इसी कंडीशन में यहाँ है कि ट्रैफिक लाइट जो है वो हरी दिखेगी। हाँ भाई, हरी दिख सकती है, पर क्या नहीं है वो निश्चित नहीं है। तो हो सकता है, पर निश्चित या परंतु निश्चित नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, कल बादल गिरे होंगे, तो देखो इस कंडीशन में भी बादल गिरे हुए भी हो सकते हैं और बिना गिरे हुए भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई वो गिरे हुए है ना, तो बादल तो ऐसा ही मौसम हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, परंतु निश्चित नहीं है। ये आपके प्रश्न है, पहला प्रश्न के सारे प्रश्न अपन ने कर लिए, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इनको नोट करें, तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। अब देखो एक डिब्बा है,
और डिब्बे में 6 कंचे हैं। कंचे सब जानते हैं, गांव के लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बच्चे जो हैं बहुत खेलते हैं, जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है, मतलब हर कंचे पे, जैसे कंचे जो होते हैं वो कोई नीला, कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई कैसा, अलग अलग कलर के होते हैं, कोई सफ़ेद, तो वैसे ही उन सब पे क्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 6 संख्या लिखी हुई। तो इसमें आपसे पूछा है कि संख्या 2 वाले कंचे इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या है, तो जो 2 कंचे जिसमें 2 लिख रहा है उसकी प्रायिकता पूछिए। देखो पहला प्रश्न है, तो मैं आपको प्रायिकता के लिए एक छोटा सा सूत्र बता देता हूँ। कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम, तो सबसे पहले देखो संख्या 2 वाले या किसे लिख लो प्रायिकता, इसकी प्रायिकता है पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है, संख्या 2 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता, तो इसकी देखो प्रायिकता सबसे पहले कुल परिणाम, इसका मतलब कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल कितनी संख्या है हमारे पास में, 6 संख्याएं हैं, मतलब 6 कंचे हैं, तो ये 6। अब उसने बोला है कि 2 वाला निकालना है, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें 2 वाले कितने हैं, तो देखो 2 वाला कितना कंचा है, सिर्फ 1 है, तो ये हो जाएगी 1/6, मतलब बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ही देखना है कि उसने बोला है जो कितने हैं। यहाँ टोटल 6 है हमारे सामने, 1 से लेकर 6 तक है 6 संख्या अंकित है, उसमें संख्या से पढ़ दो मतलब नहीं कि वो कंचे कितने हैं, 6 कंचे, तो कुल कंचे तो नीचे। इसके बाद ऊपर जो आता है वो ये आएगा कि वो जो पूछ रहा है वो कितने हैं, तो यहाँ 2 वाले कंचे हैं, तो 2 वाले कितने हैं, 2 किस पे लिख रहा है, क्यों, 1 ही कंचा ऐसा है जिस पे 2 लिख रहा है, तो बस क्या हो जाएगा, 1/6। सेकंड प्रश्न है आपका कि संख्या 5 वाले, अब देखो यहाँ ये सेकंड प्रश्न की प्रायिकता, कुल तो 6 है ही सही भाई, कुल तो इसमें भी 6 ही है, पर इसमें बोला है कि इसमें बताओ 5 वाला जो कंचा है वो कितने हैं। देखो अब इसमें यहाँ 5 किसमें है, केवल 1 ही बार है, तो इसका मतलब कितना होगा, इसकी प्रायिकता है 1/6, तो ये दोनों के आंसर हो गया आपके 1/6। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपको सिर्फ नोट करना। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेलना प्रारंभ करेगी। देखो टीम खेलना प्रारंभ करती है, आप जानते हो सिक्का उछालते हैं, सिक्के में 2 चीज़ें रहती है, सिक्के में देखो सिक्का है, एक तो रहता है चित और एक रहता है पट, तो जिसने चित मांग लिया और चित आ गया तो वो जीत जाएगा, और पट आ गया तो दूसरा जीत जाएगा, तो मतलब दोनों की संभावना है कि ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, मतलब आप है दोनों की। तो यहाँ देखो सिक्के में 2 चीज़ें रहती है, इसका मतलब कुल परिणाम तो इसका हो गया 2। अब जीत रहा है तो ये अगर ये मांगेगा तो ये जीत जाएगा, ये मांगेगा तो ये जीतेगा, तो जिसने जो भी मांगा हो तो एक जना ही मांगेगा, और चित एक ही है या पट भी एक ही है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो एक बार और देखना, जब भी सिक्का उछालते हैं इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है, या तो चित आएगा या पट आएगा, तो दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, तो इस कंडीशन में सिक्के में सबसे ज़्यादा जो प्रायिकता होती है वो ये आती है 1/2। भाई आधा आधी कंडीशन है कि या तो आप जीत सकते हो या मैं जीत सकता हूँ, जीतना दोनों में से ही है, तो जब दोनों में से जीतना है तो इसका मतलब कुल तो 2 हो गया, अब दोनों में से या तो आप जीतोगे अकेले या मैं जीतूंगा, तो जीतेगा एक ही जना, तो इसलिए क्या हो गया 1/2, इसकी प्रायिकता हो गई। या आपकी 13.4 प्रश्नावली खत्म, पूरी 3 प्रश्नावली है, 3.4 है वो पूरी की पूरी खत्म है आपकी। अब हम अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे।